इलाफ ई मीडिया मोस्ट ट्रस्टेड चैनल। कर्नाटक में 70 ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी, नकदी और संपत्ति बरामद। लोकायुक्त ने कर्नाटक में 17 सरकारी अधिकारियों के 70 ठिकानों पर छापे मारे। नकदी, सोना, संपत्ति, वाहन और गैजेट्स का पता लगाया। कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति की एक और बड़ी खोज में लोकायुक्त अधिकारियों ने सोमवार को राज्य में 17 सरकारी अधिकारियों से संबंधित 70 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी बेंगलुरु, मांड्या, रायचूर, बीदर, कलबुर्गी, चित्रदुर्ग, बल्लारी, तुमकुरु, उडुपी, हसन, बेलगावी, दावणगेरे और हावेरी जिलों में की जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारी मात्रा में नकदी, सोना, अचल संपत्ति, लग्जरी वाहन, जमीन में निवेश, स्टॉक और महंगे गैजेट्स का पता चला है और मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक लोकायुक्त ए सुब्रमण्येश्वर ने कहा, हमने पूरे कर्नाटक में लोक सेवकों के खिलाफ 17 मामले दर्ज किए हैं। ये छापेमारी 70 स्थानों पर चल रही है और हम जल्द ही अधिक जानकारी का खुलासा करेंगे।